हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू फ्रॉम AJVS इंटरनेशनल स्कूल चीका। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री, इज मैटर अराउंड अस प्योर। टर्म वन में आपके दो चैप्टर हैं। फर्स्ट इज मैटर इन आर सराउंडिंग, सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं क्या वो प्योर हैं? हम एयर का एग्जांपल लेते हैं, क्या एयर प्योर है? नो, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं। इवन एयर तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो एयर प्योर नहीं है। यहाँ से हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारे आसपास सभी मैटर प्योर नहीं होते, इनमें से कुछ मैटर प्योर भी होते हैं, कुछ इम्प्योर भी होते हैं। मैटर को हम टू वे में क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे की जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक शेप, अपीयरेंस, साइज, की कोई चीज़ दिखने में कैसी है, वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, जिनके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे की जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कि कोई मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट कर किस से दूसरे मैटर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट देता है, ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर के 2 टाइप्स होते हैं, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर के फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के फर्दर 2 टाइप हैं, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन एंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एक सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड होते हैं बट वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट। आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड किया तो आप वो कितना, आप जितना चाहो उतना वाटर ले सकते हो और जितना चाहो आप उसका सॉल्ट ले सकते हो। आप इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती कि आपको 1 लीटर वाटर लेना है या 1 स्पून सॉल्ट ही लेना है। आप किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। और जब आप उस सॉल्टी सॉल्यूशन को टेस्ट करते हो तो आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा उसमें, तो इट मीन्स सॉल्ट ने वाटर से रिएक्ट भी नहीं किया, जिस कारण से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होती। मिक्सचर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जिन सब्सटेंसेस से, जिन एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर बना होता है मिक्सचर, उनको हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन का कहा मैंने, सॉल्ट सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट क्या है? एक तो वाटर, दूसरा है सॉल्ट, तो वो उसके कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। अभी मैंने आपको बताया सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसमें आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा, इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। सेकेंड, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मिक्सचर से हम उसके कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से। आपने सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, आप उसमें से सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हो। हाउ? बाय इवेपोरेशन। आप वाटर को हीट करोगे तो उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे जस्ट सॉल्ट बच जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनिक एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एनी फिक्स, आर नॉट प्रेजेंट इन एनी फिक्स प्रोपोर्शन। मिक्सचर की कंस्टिट्यूएंट किसी फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ऐड नहीं होते, उनका प्रोपोर्शन कोई भी हो सकता है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट की सभी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कंजवी का एग्जाम्पल लो। स्कंजवी में किस कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं? वाटर होता है, सॉल्ट, लेमन एंड शुगर। तो आपको उसमें सॉल्ट, लेमन, शुगर तीनों कंस्टिट्यूएंट का अलग अलग टेस्ट आएगा। वाटर टेस्टलेस होता है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल, एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं।
मिक्सर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे सॉल्ट सॉल्यूशन का, जिसमें से वाटर का और सॉल्ट का दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, एक फिक्स शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। जब हम मिक्सर को बनाते हैं तो ना तो कोई हीट इवॉल्व होती है ना कोई हीट एब्जॉर्व होती है। नो हीट और लाइट एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज नोट्स ऑन योर फेयर नोटबुक ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।